Hello everyone, welcome on Arav Education Point, and today in this video we will continue 10th class 4th lesson from the diary of Anne Frank. This lesson is written by Anne Frank and this lesson is from first flight book. And now we will proceed in the lesson, but before that we will know the background of the lesson. Anne Frank एक 13 year old girl है जिसके 13 birthday पर उसके parents ने इस एक डायरी गिफ्ट की थी। उसी डायरी में एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ स्टोरी को लिखा है और उन दिनों में उनके साथ और उनके जैसे जो दूसरे फ्रेंड थे उनके साथ क्या हो रहा था उसका लिटिल डिस्क्रिप्शन उसने अपने डायरी में दिया है। सो एनी फ्रैंक एक ज्यूइश गर्ल थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में रहती थी और उस दौरान जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर ज्यूइश के अगेंस्ट था, उनको फोर्सफुली मार रहा था या फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहा था। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? एक टॉर्चर कैंप होता है जहाँ पर उनकी लाइफ एक तरीके से बहुत ही डल, बोरिंग और बहुत ही टॉर्चफुली होती थी। इसी वजह से वहाँ ज्यूस की कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसी वजह से फ्रैंक की फैमिली 1933 में जर्मनी छोड़कर के नीदरलैंड आ जाती है। बट क्या होता है कि 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड पर भी अटैक कर दिया और वहाँ पर भी हिटलर की पार्टी ने ज्यूस को पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया। इन सब से डर के फ्रैंक की फैमिली ने अपने आप को छुपा लिया और इस तरीके से वो 25 महीने तक किसी के नोटिस में आए बगैर आराम से रहे। बट किसी दिन उनका पता चल गया और वहाँ से उनको पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। तो जब उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया वो 1944 की बात है और जब एनी फ्रैंक को डायरी गिफ्ट की गई थी वो 1942 की हैं। तो 1942 से लेकर के 1944 तक उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजने से पहले तक एनी फ्रैंक ने इस डायरी में अपनी और अपने जैसे दूसरे ज्वेस लोगों की लाइफ को डिस्क्राइब किया है। वहाँ कंसंट्रेशन कैंप में एनी, उसकी सिस्टर मार्गोट और उसकी मदर तीनों की डेथ हो जाती है और उसके फादर अकेले होते हैं जो सरवाइव करते हैं। और जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होता है तो वो वापस नीदरलैंड आते हैं और वो देखते हैं कि एनी की डायरी अभी भी सेफ थी, मीन सुरक्षित थी। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं इस डायरी को पब्लिश करवाऊंगा और इसके बाद उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करवाया जो कि बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में उसे पब्लिश करवाया गया और उसके ऊपर काफ़ी सीरियल्स, प्ले वगैरह भी किए गए थे। सो ये डायरी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। अब हम इस लेसन के अंदर इस डायरी का जो अंश पढ़ेंगे उसमें एनी फ्रैंक अपनी स्कूली लाइफ के बारे में हमें बताएगी कि कैसे उसकी स्कूल का जीवन कैसे रहा था, मींस उसने अपने स्कूल टाइम में किस तरह की मौज मस्ती की थी। सो लेट्स मूव ऑन। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक कहती हैं कि डायरी के अंदर लिखना वास्तव में मेरे जैसे लड़के के लिए काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, मीन्स वो लिखना जानती थी, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूसिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। वो कहती हैं कि मुझे इसलिए अजीब लग रहा है डायरी में लिखना क्योंकि मुझे पता है कि बाद में ना तो मैं या ना ही कोई दूसरा बंदा एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के म्यूसिंग्स में इंटरेस्ट रखेगा। म्यूसिंग्स होता है थॉट्स, विचारधारा। मीन्स उसे लग रहा था कि मेरी इस डायरी में लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाद में इसे कोई नहीं पढ़ेगा। ओह वेल इट डजेंट मैटर, फिर आगे वो कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स कोई पढ़े या ना पढ़े मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि लिखना चाहिए, मीन्स मुझे लिखने की इच्छा हो रही थी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और आगे वो कहती है कि इन सबसे अधिक ज़रूरत थी कि मेरे मन में जो विचार चल रहे थे उन्हें ऑफ माई चेस्ट होना था, मीन्स उनका मेरे मन से बाहर निकलना था। सो ऑफ माई चेस्ट मीन मन से बाहर निकालना। आगे वो कहती हैं पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट।
अब आगे वो कहती है कि पेपर के पास यानी कि कागज के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है, पेशेंस मीन धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा, मीन्स ऐसा उसने सुना था। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, वो कह रही कि इस तरह की जो बातें बोली जाती हैं वो आज मुझे उसके बारे में मैं सोच रही थी। एंड मैं बहुत ही डिप्रेशन में थी और अपने घर में बैठी हुई थी, बिल्कुल मेरे चिन के ऊपर हाथों के अंदर चिन रखे हुए, और बोर हो रही थी, लिसलेस थी, लिसलेस मीन उत्साह उकताई हुई थी, परेशान थी। एंड वंडरिंग सोच रही थी वेदर टू स्टे इन अ गोवा, कि बाहर जाया जाए या फिर यहीं रहा जाए, मीन्स घर के अंदर ही रुका जाए, मीन्स वो काफ़ी सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, अब वो कहती है कि मैं फाइनली वहीं रही जहाँ पर मैं थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बेग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। अब वो आगे कहती हैं कि उसको मतलब उसे अपने मन का जो आइडिया था वो अच्छा लगा, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ पेपर में वास्तव में लोगों से अधिक धैर्य होता है। एंड मैं भी सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और मैं भी नहीं सोच रही हूँ कि कोई मेरी इस स्टिफ बेक्ड होता है मोटे गत्ते से बनी हुई नोटबुक को, जिसे हम प्यार से शान से ग्रैंडली मतलब शान से क्या बुलाते हैं, डायरी बुलाते हैं, इसे कोई पढ़े। कहते कि मैं भी नहीं चाहती कि कोई पढ़े, तब तक नहीं चाहती जब तक मुझे कोई अच्छा या सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, और अगर मुझे अच्छा दोस्त मिल जाता है तो मैं उसे पढ़ने के लिए दूँ तो शायद इससे कोई फ़र्क, डायरी लिखने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव ए फ्रेंड। अब वो कहती है कि मैं वापस उसी पॉइंट पर आती हूँ जिसकी वजह से मुझे डायरी लिखने जैसी ज़रूरत फील हुई, जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रम्प्ट किया, प्रम्प्ट मीन उकसाया, और वो क्या था कि आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरे मित्र ही नहीं थे, मीन्स वो उसके पास मित्र थे बट सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए वो ऐसा सोच रही है। अब आगे वो क्या कहती है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कि आओ मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस वर्ल्ड के अंदर कम्प्लीटली अलोन है, बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और आगे कहती है कि मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, 16 साल की एक छोटी बड़ी बहन है मेरी, एंड दूसरे 30 peoples हैं मेरी फैमिली में जिन्हें मैं अपना दोस्त मान सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, प्यारी प्यारी चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। हाँ, ऑन द सर्फेस ऊपरी तौर पर आई सीम ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है केवल एक अच्छे दोस्त की बजाय। All I think about when I'm with friends is having a good time. और जब भी मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो सिर्फ एक ही बात मैं सोचती हूँ कि मुझे मौज मस्ती करनी है, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ होती है तब वो पूरी मस्ती करती हैं। I can't bring myself to talk. अब जरा ध्यान देना कि I can't bring myself to talk, कि मैं अपने आप को अलाउ नहीं कर सकती या फिर मेरा मन नहीं मानता, क्या नहीं मानता, टू टॉक बातें करना अबाउट एनीथिंग किसी के बारे में भी, बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स केवल साधारण जो प्रतिदिन की बातें होती हैं उनके अलावा। मीन्स वो यहाँ कहना चाहती है कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं अपनी किसी भी दोस्त के साथ जिनके साथ मैं बाहर खेलती हूँ उनके साथ अपनी सीक्रेट बातें डिस्कस करूँ, बल्कि हम अपनी जो प्रतिदिन की ऑर्डनरी बातें होती हैं वो अच्छे से करते हैं, बट मैं अपनी कुछ सीक्रेट बातें किसी के साथ नहीं कर पा रही हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के मतलब इतने अधिक क्लोज आ गए हैं, मीन हम एक दूसरे के क्लोज नहीं हो पाते हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। वो
वो कहते कि हो सकता है कि मेरा दोष हो, माय फॉल्ट में मेरा दोष हो कि हम एक दूसरे से कन्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस अब कहते कि जो भी कारण हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और यही वो सिचुएशन है जो इस वक्त है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवंश ऐसा भी है कि ये बदल भी नहीं सकती। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। अब अपनी डायरी का लिखने का जो दूसरा कारण है वो यही मानते हैं कि इसी वजह से आई हैव स्टार्टेड द डायरी, कि मैंने डायरी लिखना आरंभ कर दिया। आगे वो कहती हैं, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कहते कि मेरी कल्पना के अंदर, इमेजिनेशन होता है कल्पना, मेरी कल्पना के अंदर इस लंबी प्रतीक्षा के बाद जो फ्रेंड मुझे मिला है, इसकी इमेज को, इमेज होता है तस्वीर को, छवि को सुधारने के लिए या बढ़ाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कि मैं इस डायरी के अंदर फैक्ट्स को यानी बातों को वैसे नहीं लिखूंगी, जोट डाउन नहीं करूंगी, जोट डाउन मीन राइट डाउन नहीं करूंगी जैसे अधिकतर लोग करते हैं। मीन्स वो डायरी को डायरी की तरह ट्रीट नहीं करेगी, उसे वो कुछ स्पेशल मानते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, कहते कि मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरे मित्र बने और मैं इस मित्र को किटी नाम से बुलाना चाहूँगी। सो यहाँ पर इस बात की तरफ ध्यान देना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनी फ्रेंड की जो डायरी थी उसका क्या नाम था और वो उसे क्या मानती थी। अब तक हमने एनी फ्रेंक की जो स्टोरी है कि कौन उसके, उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, उसका क्या कारण था, ये जाना है। तो ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उसने क्या क्या वजह रही थी उसकी लाइफ में कि उसे डायरी जैसे एक दोस्त की ज़रूरत पड़ी। सो लेट्स मूव ऑन। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन। अब आगे वो कहती है कि हाँ, अगर मैं एकदम से टू प्लंज राइटिंग में एकदम से लिखना शुरू कर दूं किटी के अंदर अपनी कहानियाँ, तो कोई भी इस बात को, मेरे लिखे हुए शब्दों को समझ नहीं पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए मुझे बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच सबके सामने दूँ, मीन्स अपनी लाइफ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन सबको बताऊँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायरी। एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। मीन्स वो कहती हैं कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में सबको बताना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी मैं इस डायरी में जरा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि लोग मेरी इसके अंदर लिखी हुई बातों को समझ सकें। एंड लेट्स सी फर्दर, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। वो कहती है कि मेरे पिता, जितने भी मैंने आज तक पिता देखे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट एडोरेबल फादर हैं, मीन्स सबसे लविंग फादर हैं, सबसे अधिक प्यार करने वाले पिता हैं। एंड उन्होंने अपनी मेरी मदर के साथ तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर के नहीं हो गए थे, और मेरी मदर 25 ईयर्स की थी जब उन्होंने शादी की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। आगे वो कहती हैं कि मेरी सिस्टर जिसका नाम मार्गोट है, वो फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी का एक शहर है वहाँ पर पैदा हुई थी 1926 में। एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12th June 1929, और एनी फ्रेंक 12th जून 1929 में पैदा हुई थी, मीन्स वो अपनी सिस्टर से केवल 3 साल छोटी थी। आपको यहाँ पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि उसकी सिस्टर का नाम मार्गोट है और वो उसे 3 ईयर्स बड़ी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। आगे वो कहती है कि हम सब फ्रैंकफर्ट में रहे जब तक मैं 4 साल की हो गई थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933। और वो कहती है कि उसके बाद 1933 में मेरे पिता होलैंड एमिग्रेट कर गए थे। एमिग्रेट होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, मीन्स उसके फादर ने फ्रैंकफर्ट शहर को छोड़ करके होलैंड में शिफ्ट हो गए थे। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, उनकी माँ जिनका नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक है, वेंट विद हिम टू होलैंड इन सेप्टेम्बर, वाइल मार्गोट एंड आई वॉज सेंट टू एचएन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। और वो कहती हैं कि मेरी मदर उनके साथ होलैंड सेप्टेम्बर में ही चली गई थी, जबकि मैं और मार्गोट मेरी सिस्टर को एचएन भेज दिया गया था। एचएन अगेन एक सिटी का नाम है जहाँ पर उसकी दादी माँ रहती थी, वहाँ पर। मार्गोट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर,
उसके बाद मार्गोट भी होलैंड चली गई थी दिसंबर में एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं खुद कब गई फरवरी में, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। वो कहती है कि मैं फरवरी में इसलिए गई क्योंकि फैब में मार्गोट का बर्थडे था और मुझे एज ए बर्थडे गिफ्ट वहाँ पर प्लंक्ड डाउन किया था, मीन्स परोसा गया था, मीन्स उसे सरप्राइज देने के लिए एकदम से उसके सामने लाया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। अब आगे एनी फ्रैंक कहती हैं कि मैंने वहाँ से तभी से मोंटेसरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज सिक्स। मैं वहाँ पर तब तक रुकी जब तक मैं 6 साल की थी। एट विस टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस वक्त मैं पहले क्लास में थी। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूप्रस, और छठी क्लास में मेरी टीचर थी मिसिज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस, और वो कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी, मीन स्कूल की हेड थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और साल के आखिर में हम दोनों आंसू बहा रही थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल ले रहे थे, मीन्स एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। सो यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल वर्ड को यूज़ करते हुए एनी फ्रैंक दिखाना चाहती है कि मिसेज क्यूप्रस जो कि हेड मिस्ट्रेस थी उनके साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था और वो उसको काफ़ी पसंद करती थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. अब वो आगे बताती हैं कि 1941 की समर के दौरान मेरी ग्रैंडमा बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा, और इसी वजह से उस साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा डाइड हो गई मीन्स उनकी मौत हो गई थी जैन 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं कितना उनके बारे में सोचती हूँ एंड स्टिल लव हर, और आज भी मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। अब जब 1942 में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया तो वो कहती हैं कि वो वास्तव में किसी दूसरे बंदे के लिए भी सेलिब्रेट किया गया था, मीन्स उसने अपनी कैंडल्स के साथ एक कैंडल अपनी ग्रैंडमा के लिए भी लिट की थी, मीन्स जलाई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और उसके बाद वो आगे कहती हैं कि अब हम चारों ठीक हैं बिल्कुल, मीन्स अपने अपने रूटीन वर्क्स में बिजी हैं और सही हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इसके साथ ही मैं आज की डेट जो कि 20 जून 1942 है वहाँ से शुरू करती हूँ। एंड द सोलमैन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये मेरे लिए अपनी डायरी के लिए एक बहुत ही गहरी भावनाओं की तरफ ले जाती है। इस वीडियो में हमने लेसन को यहीं तक कवर किया है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से लाइक बटन को भी हिट कर दीजिएगा, और आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आई विल सून अपीयर विद अ न्यू वीडियो विद द सेकंड पार्ट। टिल देन बाय बाय, सी यू, कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग।